सही सलामत रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे DIY लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज नहीं करते हैं जो कि हमें करनी चाहिए। आज मैं वैसे तो DIY बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि एग्जैक्ट आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। आपके लिए जरूरी है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपके बाल काले घने बने रहें, उसके लिए आपको लेना है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेकेंड है वाइटमिन सी, थर्ड है आयरन, और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बालों को हेल्दी बना के रखता है, प्रोटीन, बायोटिन। ये 5 चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में जरूर ऐड करनी है। आप रेमेडी लगाएं या ना लगाएं, काम चल सकता है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है, वाइटमिन्स की कमी है, तो जो रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये केवल 30-40% ही काम कर पाएंगी। अगर आप अपने आप को अंदर से हेल्दी नहीं रखेंगे, आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके बाल झड़ते जाएंगे, आपके बालों में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, और फिर आप बोलेंगे कि रेमेडी काम नहीं कर रही है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ बोल रही हूँ कि भैया, रेमेडी आपको 30-40% रिजल्ट देंगी। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी केयर करते हैं बालों की, कितनी केयर करते हैं अपनी बॉडी की, कितने अच्छे तरीके से आप खाना खाते हैं या फिर आप बाहर का जंक फूड खाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। 60% आपके ऊपर है, 40% मेरे DIY काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के DIY की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा आसान है, तो चलिए फिर बना लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो DIY की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेमेडी में हम यूज करने वाले हैं फ्रेश एलोवेरा जेल। वैसे भी जितनी रेमेडी हम बनाते हैं उनमें फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप स्पेशली लेंथ चाहते हैं बालों की, तो आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लगाना है। आपको घर में पौधा लेके आना है, आप इसको गमले में उगा सकते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, 75 एंजाइम्स, जो आपकी स्किन को और आपकी स्कैल्प को हेल्दी बना के आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आज की रेमेडी उन लड़कियों के लिए है जिनका बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं। आप अपने बालों की रीग्रोथ चाहते हैं, आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको पैकिंग वाला एलोवेरा जेल यूज नहीं करना है, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करना है। आपको ये घर में, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर मंदिर में, आसपास कहीं पे भी मिल सकता है। और वैसे भी यार, इतना झंझट कौन करेगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, नर्सरी जाना है और एलोवेरा का एक प्लांट लेके आना है, गमले में उगा देना है। बस ये बहुत ही ज्यादा फैल जाता है अगर आप इसका एक भी प्लांट लगाते हैं तो, लेकिन हर रोज आपको इसके अंदर पानी जरूर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के करीब फ्रेश एलोवेरा जेल ले लिया है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल 2 घूंट के बराबर फिल्टर पानी। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पानी डाल के अगर आप मिक्स करते हैं ना, मैंने देखा है जब जब मैं लगाती हूँ पानी डाल के, अगर मैं मिक्स करती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे इजी तरीके से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल जेल जैसे पैकिंग वाला जेल होता है ना, वैसी कंसिस्टेंसी आपकी बन जाती है। तो इसको मिक्स करना है आपको हल्का सा पानी डाल के। तो बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है पानी डालने के बाद, फिर आपको लेना है कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हमेशा यूज करती हूँ क्योंकि ये मेरे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 1/2 चम्मच के करीब आपको डालना है इसके अंदर कोकोनट ऑयल। ये आपके बालों को नरिश करता है, आपके बालों को हेल्दी बनाता है, आपके बालों में शाइन लेके आता है। और गर्मियों में कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सर्दियों में जब हम लगाते हैं ना तो हल्का सा डैंड्रफ आ जाता है, ये जम जाता है। तो गर्मियों में सही मौका होता है कोकोनट ऑयल को अपने बालों पर यूज करने का। तो अब लास्टली आपको इसके अंदर ऐसी चीज डालनी है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी, आपके DHT को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से जो आपका हेयर फॉल दिन भर हो रहा है ना, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। और वो हो सकता है आपके बालों के लिए रामबाण उपाय कॉफी पाउडर। सिर्फ 1/2 चम्मच आपको इसके अंदर कॉफी पाउडर ऐड कर देना है। ये कॉफी पाउडर बहुत अमेजिंग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, कैफीन से आपके बालों में शाइन आती है, इसके अंदर DHT होता है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो सिर्फ 1/2 चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल के अंदर डालना है कॉफी पाउडर। इसको बड़े अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत ही अमेजिंग सा DIY आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेती हूँ एक बार थोड़ा सा मिक्स, आपकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये बन के तैयार है आपका DIY, और इसे आपको अपने बालों पे लगाना है। कैसे लगाना है तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे इसका यूज करना है। लेकिन जिन लड़कियों के पास कॉफी पाउडर नहीं है, शायद लॉकडाउन की वजह से,
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो चाय पत्ती होती है ना, ब्लैक टी जो हम पीते हैं, उसको आपको हल्का सा क्रश करना है, उसको पानी में डाल के उसका पानी तैयार कर लेना है, सिर्फ 4 चम्मच के करीब आप वो पानी इसके अंदर डाल के लगा सकते हैं अपने बालों पे, जिनके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है, जो लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉफ़ी पाउडर आसानी से ले सकते हैं तो आपको कॉफ़ी पाउडर ही यूज करना है। बाय द वे, अगर आपके पास नहीं है तभी आप ब्लैक टी का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको कॉफ़ी ही डालनी है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स हो सकता है आपके बालों के लिए। ये आपके बालों में हल्का सा डार्क कलर भी लेके आएगा अगर आप इसको एलोवेरा जेल के साथ लगाएंगे, कोकोनट ऑयल के साथ लगाएंगे, और ये बहुत ही अमेजिंग हो सकता है आपके बालों के लिए। तो इसे आपको कैसे लगाना है, कितने दिन के लिए स्टोर करके रखना है, तो चलिए फिर हम डिस्कस कर ले। तो ये है हमारी रेमेडी, ठीक है। आप रेमेडी को, चाहे कोई भी रेमेडी लगाएं, जितना पॉजिटिव होकर लगाएंगे, जितना ये सोच के लगाएंगे कि ये रेमेडी मेरे बालों पे काम करेगी ही करेगी, जो मेरी प्रॉब्लम है उसको हटाने में मेरी हेल्प करेगी, तो वो रेमेडी यकीन मानिए आपकी हेल्प करती ही करती है। अगर आप नेगेटिव बातें सोच के रेमेडी को लगाएंगे, पता नहीं असर करेगी नहीं करेगी, पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ, लगाऊं ना लगाऊं, तो वो रेमेडी भी आपके बालों पे कोई असर छोड़ के नहीं जाती है। तो पॉजिटिव होके रेमेडी यूज करें, ईमानदारी के साथ रेमेडी यूज करें, जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं रेमेडी के दौरान वो सारे प्योर होने चाहिए। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है बालों की केयर करने का कि सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे प्रोडक्ट्स जितने यूज करते हैं वो नेचुरल होने जरूरी हैं। बात करें कि आपको ये रेमेडी कब लगानी है, रात में आपको ये रेमेडी बिल्कुल भी अप्लाई करके नहीं सोना है, क्योंकि कॉफ़ी है, कॉफ़ी ज़्यादा देर तक आप बालों पे लगा के नहीं रख सकते हैं। तो लगाना कब है, आपको हेयर वॉश करने से 1 घंटा पहले इस रेमेडी को लगाना है। कैसे लगाना है, स्कैल्प पे से लेके अच्छे से मसाज करते हुए आपको पूरी हेयर लेंथ पे आपको लगाना है। हाँ, एंड्स पे, हेयर की एंड्स पे बिल्कुल अच्छे से आपको लगाना है, क्योंकि ये रेमेडी आपके बालों को लंबा होने में भी मदद करेगी, प्लस आपके स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम को भी रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो। एक बार में, दो बार में कोई रेयर ही रेमेडी होती है जो कि आपको रिजल्ट दे पाती है, अदरवाइज आपको रेमेडीज रेगुलर यूज करनी होती हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इस रेमेडी को आपको जरूर ट्राई करना है, और जो भी फीडबैक होता है वो मेरे साथ शेयर करना है। ये रेमेडी आपको वीक में 2 टाइम जरूर ट्राई करनी है। अगर आप 2 टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो 1 टाइम तो जरूर, 1 बार तो इसको जरूर अपने बालों पे अप्लाई करके छोड़ना है, और जो भी जैसा भी आपका रिजल्ट होगा वो मेरे साथ शेयर करना है। ये था छोटा सा प्यारा सा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।